बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। कायमा बीबी किचन में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज हम बना रहे हैं कढ़ाई चिकन। 2 किलो चिकन लिए, कढ़ाई में 100 ग्राम राइस ऑयल ऐड किए। ऑयल गर्म हो जाने के बाद 1 तेज़पत्ता, 4 इलायची, 1 बड़े इलायची, 4-5 लौंग, 1/2 टीस्पून जीरा ऐड किए। अब इसमें ऐड कर रहे हैं 4 अनियन चॉप करके, अच्छी तरह भून लेंगे ब्राउन होने तक। यहाँ मिक्सर जार में 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च पेस्ट लिए, 1 टीस्पून नमक ऐड किए, 1 टीस्पून जीरा और धनिया पाउडर ऐड किए, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किए, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किए। अनियन ब्राउन हो चुका है, अब हम मसाला इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा पानी देके इसको अच्छी तरह घोल लेंगे। अब इसमें ऐड कर रहे हैं मसाला। भून लेंगे इसका कच्चापन जाने तक। अब इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टमाटर पेस्ट, 1 थोड़ा पानी ऐड करके मसाला भून लेंगे, नहीं तो जल जाएगा। अब इसमें ऐड कर रहे हैं चिकन। मसाला चिकन अच्छी तरह भून लेंगे। अब ढक के पका लेंगे 30 मिनट। बाद आप देख सकते हैं इसमें से कितना पानी छूटा है, ये पानी सुखा देंगे। चिकन गल चुका है, इसमें ऐड किए 1 कप धनिया पत्ता, अच्छी तरह चला लेंगे। अब इसमें ऐड कर रहे हैं 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई चिकन कंप्लीट। दोस्तों आप लोग भी इस तरह बनाएं, खाएं, खाने में वेरी वेरी टेस्टी। ढक के रखेंगे, अभी सर्व नहीं करेंगे, 5 मिनट बाद सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं कितना सुंदर बना है कढ़ाई चिकन। दोस्तों मेरा रेसिपी ज़रूर पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने में नहीं भूलिएगा। बगल में बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, उससे नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप लोगों के पास चलाएंगे नए एक रेसिपी के संग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।